दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने चैनल को 18 घंटे के अंदर ही मोनेटाइज करा लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं रियल टेक्निकल यू आर नाउ यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। और आप भी दोस्तों अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं 18 घंटे के अंदर। यहाँ पर जब भी आप अपने चैनल को अप्लाई करते हैं तो आपको बस कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बाद ही आपको कभी भी अपने चैनल को अप्लाई करना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या है वो बातें हमको ध्यान से समझना होगा और वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपकी इंपॉर्टेंट की ही बात है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों बात कर देते हैं मिस्टेक नंबर वन, जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए कि अगर आप ये गलती तो नहीं कर रहे हो। देखिए मिस्टेक नहीं है, जाने अनजाने में गलती है, भूल हो जाती है। क्या करते हैं, अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल से कम है तो आपको सबसे पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि जीमेल आईडी पे डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करते हैं। तो जिससे भी आपका यूट्यूब चैनल है जीमेल आईडी से, उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ पर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कौन से वीडियो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ आसानी से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कुछ गलत है, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर लो, 18 साल से ऊपर कर लीजिए। एंड इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख लीजिए, YouTube आपको खुद बताता है, देखिए व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल, इससे आप सुधार सकते हैं अपनी गलती को। तो यानी जब भी आपका चैनल रिव्यू पे जाता है तो हम क्या चेक करते हैं, YouTube बता रहा है आपके चैनल की जो पॉइंट नंबर है वो मेन थीम चेक करता है, जो मोस्ट व्यूड वीडियो होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा जिस वीडियो पे आपके चैनल पर व्यूज़ आते हैं उसको चेक किया जाता है, जो न्यू वीडियो रहते हैं आपके चैनल पर उसको चेक किया जाता है, और बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, सबसे ज़्यादा वॉच टाइम कहाँ से आया इसको चेक किया जाता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनमें 95% बंदे गलती कर देते हैं वो है वीडियो मेटा डाटा इंक्लूडिंग टाइटल थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन। देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 95% बंदे यहीं पर गलती करते हैं। अब आप सोचेंगे जो मेटा डाटा है वो क्या है, दोस्तों अगर आप अपने थंबनेल पर किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स का फोटो लगाते हैं तो आपका जो है वीडियो वो मीटा डाटा में आ जाएगा और आपका चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या गलती करते हो, आप अपने हर वीडियो पर सेम टाइटल थंबनेल ये चीज़ मतलब सेम आपको क्या करना है, सेम टाइटल नहीं लगाना है, सेम टेक्स्ट नहीं लगाना है, सेम डिस्क्रिप्शन नहीं लगाना है, यानी कि आपको क्या करता है हर वीडियो पर सेम टाइटल्स भी लगा देते हैं, सेम डिस्क्रिप्शन भी लगा देते हैं, सेम टेक्स्ट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना, हर वीडियो का टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अलग होना चाहिए और जिससे रिलेटेड वीडियो हो आपको उसी से रिलेटेड आपके टैग्स डिस्क्रिप्शन में सब कुछ होना चाहिए, यानी कि थंबनेल पे जो लिखा होना चाहिए वही टाइटल में होना चाहिए, वही डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए, वही टैग्स में भी होना चाहिए। और अगर आपने किसी और का वीडियो डाला है उठा के तो मैं बता रहा हूँ आप उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर आप उसको डिलीट कर देंगे जो भी वीडियो रहेगा उसका वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा, बट आपको डिलीट करना होगा अगर किसी और का वीडियो रहता है, अगर दोस्तों आपका वीडियो वो नहीं है। एंड इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ पर देखिए जो थंबनेल में वो मैंने टाइटल में लिखा है वही डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर जो हैशटैग है ना इनको 2-3 लगाना, ये नहीं कि आप पूरा भर दो, सिर्फ 2-3 हैशटैग लगाना है जो भी वीडियो से रिलेटेड हो, एंड जो रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं तो उसको आपको क्या करना है यहाँ पर 10-12 रिलेटेड कीवर्ड्स ही डाल देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मतलब 10 लगा सकते हो आप रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है, इससे ज़्यादा मत लगाना और जो वीडियो से रिलेटेड हो उसको ही लगाना। एंड इसके बाद ये सब आप कंप्लीट कर लो, सब अपने वीडियो पे एक एक करके चेक कर लो, चेक करने के बाद आप एडिट कर लो, ठीक है, उसको हटा सकते हो, तब आप अप्लाई करना और यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक जरूर लगाना। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपने चैलेंज के मोनेटाइजेशन के अप्लाई के लिए, तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर ये चारों क्राइटेरिया अगर आपके कंप्लीट हैं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ और जैसे दोस्तों अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पर स्टेप वन लिखा होगा और यहाँ पर नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप देख सकते हैं स्टेप वन है, नीचे स्टार्ट है, इस पर क्लिक करिए और जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर लिखा रहता है कि टर्म्स हैं कि क्या आपको रेवेन्यू मिलेगा, कितना क्या यूट्यूब रखेगा, तो ये सब कुछ लिखा रहता है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है और ये बॉक्स जो है इनको दोनों को ब्लैक कर देना है, यानी कि चेक कर देना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है किसी एक पे आप टिक लगाएं, दोनों पे आपको चेक करना है, नहीं तो आपको ईमेल वगैरह अलर्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद आपको एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप एक्सेप्ट टर्म्स से क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप वन जो था वो यहाँ पर ग्रीन हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं स्टेप टू की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पर अब हम स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं स्टेप टू पे, और जैसे स्टेप टू पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप स्टेप टू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर यू विल बी रीडायरेक्ट टू एडसेंस टू कंप्लीट दिस स्टेप। तो यहाँ पर अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, और नहीं है तो सेकेंड वाले पे नो आई डोंट हैव एडसेंस अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे, नो आई डोंट हैव पे, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जिससे भी आपका यूट्यूब चैनल जिस आई डी से भी जीमेल से आपने बनाया था उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब दोस्तों आप आ चुके हैं गूगल एडसेंस पेज पे, तो यहाँ पर आपका जो चैनल है उसका जो लिंक है वो ऊपर योर वेबसाइट में ऑलरेडी पहले से आ चुका है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है नो डोंट सेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नो डोंट सेंड मी कस्टमाइजेशन, एंड इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट योर जो भी आपकी कंट्री हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आई लव माई इंडिया तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल एडसेंस ऑनलाइन टर्म्स ऑफ सर्विस, इनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनकी सर्विस और टर्म्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इस पर आपको बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक कर देंगे अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेज जो है वो लोडिंग ले रहा है, तो हमको कुछ सेकेंड्स का वेट करना है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहां पर हम नए पेज पर आ चुके हैं, और यहां पर लिखा हुआ है ऊपर कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो अकाउंट कस्टमर जो इन्फो है यहाँ पर अकाउंट टाइप लिखा हुआ है सबसे पहला जो ऑप्शन है, तो अकाउंट टाइप में आपको इंडिविजुअल ही रखना है। एंड इसके बाद नेम एंड एड्रेस जो है वो आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप अपनी किसी आईडी से नेशनल आईडी से अगर आप एड्रेस डालते हैं जैसे आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड से हिसाब से डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एड्रेस फर्स्ट लाइन में आप अपना आधा एड्रेस फर्स्ट लाइन डाल दीजिए, और आधा एड्रेस जो है अपना लाइन टू में डाल दीजिए, सिटी डाल दीजिए, और जो भी आपका सिटी का पिन कोड उसको डाल दीजिए, स्टेट जिस स्टेट से हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, बिहार उत्तराखंड जो भी जहाँ से हो आप। एंड इसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा उसको भी आप डाल दीजिए, काफ़ी सिंपल स्टेप है, इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। एंड यहाँ पर इसके बाद फ़ोन नंबर सब कुछ पड़ जाए तो आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं रीडायरेक्ट यू टू यूट्यूब, तो अब हमको थोड़ा सा वेट करना है, कहीं पे क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारा स्टेप टू कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोग्रेस चल रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं लाइन चल रही है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वेट करने के बाद हमारा जो स्टेप टू है वो प्रोग्रेस में आ चुका है। आप जो स्टेप थ्री है वो यहाँ पर चैनल आपका रिव्यू में चला गया है। अब आपको पता चलेगा कि आपका जो एडसेंस है वो क्रिएट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कोई मतलब कि कोई एरर आएगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, एरर आएगा, ये सब आपको 48 घंटे या फिर 12 या से 8 घंटे भी लग सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपका चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, लगभग दोस्तों 18 घंटे के बाद हमारा जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। दोस्तों लगभग 18 घंटे के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ही रियल टेक्निकल यू आर नाउ ए यूट्यूब पार्टनर, तो अब हमारा चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों ये आपको लगभग 48 से लगभग 18 घंटे या फिर 4-5 दिन भी लग सकते हैं, इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन के बाद आपके चैनल पे क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, कैसे एड्स लगाए जाते हैं, कौन से एड्स अच्छे रहते हैं, कितने एड्स लगाने चाहिए, इन सब का सारा वीडियो पार्टिकुलर एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद हमें अपने चैनल पर क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आपको इसी विकास रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।